पैगंबर है, कब की होती ख्वाहिश है आपकी। इधर देखना, इधर देखना। पाला में आते रहे आपको तो पाला मुझे स्वागत है। दर्द ले आएंगे हम यार, उनके प्यार को ऐसा कभी सोचा नहीं, आएगा ऐसा वक्त भी जब गैर हो जाएंगे हम। मेरा प्यार और मोहब्बत कराती है, बड़ी हिम्मत है इनमें कि इतना बड़ा आयोजन करती है और उनके दर्शक लग जाते हैं दोस्ती करने में, बहुत परेशान होती है और वो, लेकिन वो तब भी करती है, इतना उनके अंदर जुड़ाव बने। तो मैं उनको नमन करता हूँ और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सब लोग एक दूसरे को अपनी कविता सुनाते हैं, अपनी बात करते हैं, संवाद संप्रेषण होता है, ये बहुत अच्छी बात है और ये इस तरीके से गोष्ठियां होनी भी चाहिए और बड़ा अच्छा लगता है। और कल भी हम लोग इसी तरह का एक कार्यक्रम रोटरी भाव में कर रहे हैं, पिछले 17 वर्षों से हो रहा है, सीमा स्मृति और सावित्री सक्सेना स्मृति साहित्य सम्मान समारोह, तो उसमें दो कवित्री आ रही है बाहर से, हमेशा ही बाहर से आती है, नोएडा से आ रही है, कानपुर से आ रही है, उनका सम्मान है। आदमी चल रहा दिन रात घुट रहे जज्बात, चल रहा दिन रात घुट रहे जज्बात, ये मशीनी आदमी, ये मशीनी। छल कपट का साथ छीने दोनों हाथ, छल कपट का साथ छीने दोनों हाथ, ये लुटेरा आदमी, ये अरे लगी मेरी दीवानगी यूं बढ़ाने लगी, बातों बातों में मुझसे लजाने लगी, जो लिखेगी तुम्हें उन्हें सोच कर वो वही गीत छुप छुप लगी, मेरी दीवानगी यूं बढ़ाने लगी, प्यार में उम्र के मैं डूब इतना गया, प्यार में उम्र के मैं डूब इतना गया, रात दिन वो। जी क्या कार्यक्रम यहाँ चल रहा है? देखिए यहाँ पे एक साहित्यिक अनुष्ठान चल रहा है जी, और शुभम मेमोरियल साहित्यिक संस्था द्वारा आज एक काव्य गोष्ठी चल रही है जी। बरेली साहित्यकारों की धरती है, किशन सरोज जी की धरती है, वसीम बरेलवी की धरती है, तो आज यहाँ पर कुछ विशिष्ट और विशिष्ट लोगों के सम्मान है। डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी का सम्मान है, डॉक्टर ललित पागरानी जी का सम्मान है, और डॉक्टर अरुण कुमार जी जो पर्यावरण मंत्री हैं उनका सम्मान है, तला शमशीद जी का सम्मान है, डॉक्टर अवनीश यादव जी और डॉक्टर प्रवीण महेश्वरी जी, ऐसे तमाम हमारे साहित्य के सुधी पारखी लोगों का सम्मान है जो हमारा सहयोग करते रहते हैं। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता विनय सागर जायसवाल जी कर रहे हैं। कार्यक्रम में विनय सागर जायसवाल जी के साथ साथ रणधीर प्रसाद गौड़ जी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे तमाम कवि, बरेली शहर के करीबन 100-150 साहित्यकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं। अंदर काव्य गोष्ठी चल रही है और सत्यवती जी सिंह जी ने कार्यक्रम सजाया है अपनी बेटी की स्मृति में, उनके बेटे के नाम से उन्होंने संस्था बनाई है शिवम मेमोरियल साहित्यिक संस्था, और हर महीने काव्य गोष्ठी करती हैं और साहित्यकारों को, नए नए साहित्यकारों को आगे लाने का काम करती हैं। आज के कार्यक्रम के संचालन का दायित्व मेरे कंधे पर है।